YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो फिलहाल का मार्केट का सिनेरियो है, क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपको बाय करना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स में कौन से स्टॉक्स बाय करना है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। आप देखिए, मार्केट जो कल क्लोज हुआ था वो 35,000 पे क्लोज हुआ था, आज क्लोज हुआ है 36,485 पे। तो देखिए, मार्केट जो एक दिन काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ, यहाँ पर 37,500 से लेकर के 35,000 आ गया, 2,500 पॉइंट का गिरावट। और दूसरे ही दिन यहाँ पर फिर से 1500 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पर तेजी देखने मिला, एक दिन गिरावट और दूसरे ही दिन तेजी। यहाँ पर मार्केट जो है काफी ज्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग वो अवॉइड करना चाहिए, या आप बाय ऑन डिप करके स्टॉक को चल सकते हैं कैश में। मतलब जो भी स्टॉक्स आपको फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, उसको गिरावट में आप बाय करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि इंडिया विक्स का, क्योंकि इंडिया विक्स बताता है कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो जब विक्स 20 से ऊपर हो तो हम मान के चलते हैं मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, मार्केट काफी ज्यादा गिर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो विक्स जो है फिर यहाँ पर डाउन हो सकता है। देखिए, विक्स जैसे आज मार्केट ऊपर था तो मार्केट ऊपर नीचे से विक्स को कोई लेना देना नहीं है। विक्स जैसे यहाँ पर डाउन होगा तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो काफी ज्यादा गिरेगा, और जैसे विक्स काफी नीचे होगा, मतलब काफी ज्यादा टूटा आज विक्स, तो आज मार्केट वोलेटाइल कम होगा, जो कि यहाँ पर देखने भी मिला। यहाँ पर देखिए, मार्केट आपको वोलेटाइल काफी कम देखने मिलेगा। देखिए, बैंक निफ्टी काफी कम वोलेटाइल था, यहाँ पर विक्स कांस्टेंट था। यहाँ पर देखिए, विक्स हमें कांस्टेंट देखने मिलता है 10 बजे के बाद। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर निफ्टी को देख के चले तो निफ्टी भी यहाँ पर कुछ खास हलचल देखने हमें नहीं मिला, क्योंकि विक्स कांस्टेंट था। यहाँ पर देखिए, विक्स जो है काफी ज्यादा जब अप होगा, काफी ज्यादा विक्स का मान जब बढ़ेगा, तो उसमें मार्केट आपको काफी ज्यादा वोलेटाइल देखने मिलेगा। तो विक्स अभी भी 20 से काफी ऊपर है, 26 से भी ऊपर है, तो अभी भी मार्केट जो है काफी वोलेटाइल रहने वाला है। और ऐसे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, न्यूज है, रशिया यूक्रेन वार का यहाँ पर न्यूज है। जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो मार्केट में तेजी देखने मिलेगा, जैसे कोई नेगेटिव न्यूज देखने मिलता है तो मार्केट में आपको गिरावट देखने मिलेगा। ये सारा सिनेरियो यहाँ पर चलता रहेगा। तो इस वोलेटिलिटी में जैसे मार्केट नीचे गिरता है तो आपको कैश में जो ब्लू चिप शेयर है उसको बाय करके चलना चाहिए। ब्लू चिप शेयर बहुत सारे हैं, जिस जो कि मैं आपको बताते रहता हूँ, जैसे देखिए हेवल्स हो गया, HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, HDFC लाइफ हो गया, स्कॉट हो गया, देखिए रिलायंस हो गया, रिलैक्सो हो गया, देखिए जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं वो मैं आपको बताते चलता हूँ। एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, उसी तरह से यहाँ पर देखिए टाइटन हो गया, पिडलाइट हो गया, TCS हो गया, एशियन पेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको आप बाय करके चल सकते हैं इस गिरावट में, जो फंडामेंटली काफी सॉलिड है और जो आपके पोर्टफोलियो में अगर रहता है तो अच्छा खासा आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांगनेस, मजबूती प्रदान करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के बेहतरीन एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।